तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके हम सभी के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो टेक्निकल गुरुजी है हमारे, वो कल रेडमी नोट 7 का एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाले थे यूट्यूब पे, उसमें क्या मेरा ओपिनियन है, इसी वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं टेक्निकल गुरुजी के ऊपर कि वो रेडमी नोट 7 को बेंड करके तोड़ दिया है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे वगैरह वगैरह। मनु जी वर्सेस टेक्निकल गुरु जी, ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं उनके ऊपर। लेकिन मैं बोलता हूँ, अगर आपने कल का वो अनबॉक्सिंग वीडियो देखा था टेक्निकल गुरु जी का, तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो वो जो रेडमी नोट 7 का बॉक्स था वो पहले से ही खुला हुआ था, यानी कि उसे रीपैक करा गया था। आप शायद, आप अगर रेडमी का फोन है आपके पास, तो आप शायद जरूर देखोगे कि रेडमी का ईच एंड एवरी फोन जो होता है, वो अगर ब्रांड न्यू होता है तो उसमें एक हीट सीलिंग किया होता है प्लास्टिक से, आप अगर ध्यान से देखोगे, और जो सील होता है वो भी सील लगा होता है। तो पहले उसे अनबॉक्सिंग करने के लिए वो हीट सीलिंग वाला जो प्लास्टिक होता है उसे खोलना पड़ता है, उसके बाद सील को ब्रोक करके उसको फोन को निकालना होता है। और ईच एंड एवरी रेडमी फोन में जो उसका फ्रंट में जो स्टिकर होता है उसमें नाम दिया हुआ, जैसे मेरा है रेडमी Y2, मेरा भी था, और पीछे में एक IMEI स्टिकर होता है, वो भी बिल्कुल सटा हुआ होता है वो। और जो कल वाला जो टेक्निकल गुरुजी का जो वीडियो था, आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत सारे सफेद सफेद बबल थे, यानी कि उसे उस स्टिकर को फिर से लगाया गया था। तो ये हो गया एक बार कि इसे रीपैक करा गया है, और उसे कंपनी ने, ये रेडमी का कंपनी टेक्निकल गुरुजी को नहीं भेजा है, वो खुद परचेस किए, उसका अनबॉक्सिंग किया है। अब वो किससे परचेस कर सकते हैं? यूट्यूब का एक चैनल है सलीम बाबा टेक्निकल, जहाँ पर सलीम भाई रेडमी स्पेशली रेडमी का फोन अनबॉक्सिंग किए थे, और वो इस टेक्निकल गुरुजी का अनबॉक्सिंग वीडियो के कुछ दिन पहले रेडमी नोट 7 का अनबॉक्सिंग किए थे। और जिसमें शायद आपने देखा होगा, वो रेडमी नोट 7 का पैकेट जो होता है वो प्लास्टिक से कवर हुआ था, हीट सीलिंग हुआ था और सील भी लगा हुआ था। तब उस प्लास्टिक को कवर को हटाकर उस सील को ब्रोक करके उन सलीम जी ने उस रेडमी नोट 7 का अनबॉक्सिंग किया था। और वो वीडियो के बीच में एक टाइम पर कहे थे कि उसे, उनको वो रेडमी नोट 7 का बॉक्स फिर से रिपैक करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर को भेजना है। ये बड़े बड़े यूट्यूबर के भेजने से मुझे ये लगता है कि उन्होंने इस रेडमी नोट 7 को टेक्निकल गुरुजी को दिया है अनबॉक्सिंग करने के लिए, या फिर सेल किया है टेक्निकल गुरुजी को, तो ये हो सकता है। तो एक बात तो, और जो मेन फैक्टर है, वो सलीम जी भी दुबई में रहते हैं और टेक्निकल गुरुजी भी दुबई में रहते हैं, तो ये पॉसिबल है कि टेक्निकल गुरुजी सलीम जी के पास से ही वो रेडमी नोट 7 खरीदे हो। तो ये बात तो श्योर हो गया है कि टेक्निकल गुरुजी को उस रेडमी का बॉक्स कंपनी से नहीं मिला था, वो खुद परचेस किए थे। क्योंकि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे फोनों के अनबॉक्सिंग करते हैं, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, ऐसे बहुत सारे, जैसे सैमसंग गैलेक्सी A9, मुझे जो जो नाम याद आ रहा है, सैमसंग गैलेक्सी A9, सैमसंग गैलेक्सी J6, J8, वीवो V9, V11, ऐसे वीवो नेक्स, ऐसे बहुत सारे फोन था, आईफोन था उनके पास। इनमें क्या होता था, वो पैकेट जो होता था वो हीट सीलिंग करके आता था, टेक्निकल गुरुजी वो प्लास्टिक रैपर को खोलते थे, उसके बाद वो सील को ब्रोक करते थे। लेकिन कल वाला जो रेडमी नोट 7 का जो वीडियो आया था, उसमें ना ही उन्होंने हीट सीलिंग को खोला था, ना ही उन्होंने सील को ब्रोक किया था, जस्ट ऐसे करके खोल दिया था। तो ये बात तो डेफिनेटली है, वो एक रीपैक करा गया बॉक्स से। अब बात करते हैं वो बेंड टेस्ट, वो बेंड टेस्ट उन्होंने क्यों किया? जैसे रेडमी कंपनी दिखा रहा था कि एक एक बाल्टी में उसे सेलो टेप देकर सीढ़ी से गिरा देते, या उसके ऊपर स्केटिंग करते थे, या उससे नट तोड़ते थे, सब्जियां काटते थे, तो उन्होंने ऐसे एक टेस्ट किया था वो कितना मजबूत है यह देखने के लिए। आपको इसमें कोई भी सीन क्रिएट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक टेस्ट था, गलती से हो गया, इसमें क्या किया जा सकता है, आप ही बोलिए। आप अगर एक देख, जैसे मेरा रेडमी Y2 है, वो बहुत ही पतला सेट है, प्लास्टिक बॉडी है, वो अगर मैं बेंड करता हूँ तो उसके चित्रे भी उड़ जाएंगे। तो ये बात नहीं है, बहुत ज्यादा
सिर्फ एक टेस्ट था दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ ये सिर्फ टेस्ट था। और मैं किसी के पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ में भी नहीं हूँ। मैं जो सर मुझे जो लगा, जो ये बोलना चाहिए आपको, जो सच बात है, सच है ये, पूरा सच है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं मुझे जो लगा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये गलती से हो गया दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे सीन क्रिएट करे, बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं। एक मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ये सब वीडियो आप मत बनाओ, यूट्यूब में आप सीन क्रिएट मत करो। इसमें क्या होगा, अगर रेडमी के ऊपर कुछ फर्क पड़ा तो इंडिया के मोबाइल मार्केट का नुकसान हो सकता है। अगर टेक्निकल गुरुजी को अगर कुछ बुरा लगा हो तो वो भी रेडमी को फोन का अनबॉक्सिंग बाद में नहीं ले आ सकता है, इसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, यूट्यूब पर भी इफेक्ट पड़ सकता है इसका। तो आप, मैं इसे कहता हूँ आप बिल्कुल सिंकेत मत करो। लेकिन हाँ, टेक्निकल गुरुजी को क्या करना चाहिए था, मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने जो भी एड दिखा था वो बाल्टी में रखकर सीढ़ी से गिरा देने पर हो, या फिर आप स्केट बोर्ड या सब्जी काटने पर नट, तो ना पहले उसको टेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद उसका ब्रेन टेस्ट करते तो हो सकता था। लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है, टेक्निकल गुरुजी का भी कोई फोन को तोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि उसका उनका भी एक बहुत ही बड़ा फोन का कलेक्शन है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक ब्रांड न्यू फोन आए, मैं उसे तोड़ दूं, मैं उसे कलेक्शन में नहीं रखूं, ये तो ये बात कोई नहीं चाहेगा। आपके पास भी एक फोन का कलेक्शन होता, या फिर अगर मेरे पास भी एक फोन का कलेक्शन होता, तो मैं भी चाहता था कि हाँ रेडमी नोट 7 न्यू फोन आया है मार्केट में, मैं इसे कलेक्शन में शामिल करूं। तो ये एक बात हो गया। तो आप प्लीज ये सीन क्रिएट मत करो, मैंने मुझे जो लगा मैं आपको बता दिया। तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों, बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों मैं कहता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान के पास तो नहीं हो सकता, कुछ कुछ इंसान के पास अगर ये वीडियो पहुंचा तो वो समझेंगे कि ये क्या हुआ था, ये क्या सिंकेट क्यों हो रहा है, सिंकेट नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। सो दोस्तों गुड बाय फॉर नाउ, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।